ध्यानचल न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अनुविभागीय कार्यालय के सामने बुंदेलखंड पैकेज सूखा राहत योजना के तहत कृषि गोदाम सह कार्यालय का निर्माण मंडी बोर्ड द्वारा कराया गया, जिसकी लागत 29,12,000 रही। निर्माण के समय से ही लगातार भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा किसी की सुनवाई नहीं की गई। यह भवन हर साल बारिश के मौसम में जमीन में ही धंसता जा रहा है। दीवारें जगह जगह से चटक चुकी हैं और दरारें दिखाई दे रही हैं, साथ ही दीवारों की छपाई भी घटिया निर्माण के कारण गिरने लगी है। कार्यपालन यंत्री द्वारा गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते शासन की लाखों रुपए की राशि पानी की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। भवन कुछ ही समय में धराशायी होने की कगार पर है। कमीशनबाजी के चलते विभाग द्वारा ऐसे घटिया निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि भवन की गुणवत्ता दूर से ही दिखाई देती है कि आखिर भवन निर्माण किस प्रकार अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है। इस संबंध में जब हमने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जीपी वैन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने क्षतिग्रस्त भवन क्यों हैंडओवर किया, यह सबको पता है। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए रही बने रही मध्यांचल न्यूज के साथ। धन्यवाद।